फिल्म चुपके चुपके में राजपाल यादव की एक लाइन थी कि हम क्या मंदिर का कोई घंटा है जो कभी भी कोई आकर के बजा के चला जाता है और कोई कुछ नहीं करता है। हिंदुस्तान की साइबर सिक्योरिटी की आज वैसे ही कुछ हालत है। आई एम जॉइन बाय आशीष सिन्हा इन दिस लेटेस्ट एपिसोड्स ऑफ मिनट्स ऑफ द वीक और आज हम बात करेंगे आशीष साइबर हैक्स के ऊपर। डोमिनोज के करीब 18 करोड़ ऑर्डर्स लीक हो गए ऑनलाइन एंड ये पहला इंसिडेंट नहीं है जब बड़ी मास हैकिंग हुई है किसी कॉर्पोरेट की साइबर बुलीज द्वारा। अगर आपको याद होगा 2019 में आशीष SBI का एक मास डेबिट कार्ड डिटेल्स ऑनलाइन छोड़ दिए गए थे। कितने यूजर्स का डिटेल्स, कितने यूजर्स का फाइनेंशियल स्टेटस, सब कुछ ऑनलाइन चला गया था। डोमिनोज के ऑर्डर्स में इफ यू रिमेम्बर लोकेशन के साथ साथ बैंक डिटेल्स भी गई। एंड फॉर द सेक ऑफ आवर यूजर्स आई शुड टेल दैट दिस इज नॉट द फर्स्ट बिग साइबर सिक्योरिटी अटैक व्हिच हैज हैपेंड ऑन कॉर्पोरेट दिस ईयर इन इंडिया। इसके पहले एयर इंडिया के साथ डेटा ब्रीच हुआ था, अन अकेडमी, जोमैटो, ऑल ऑफ अस रिमेंबर कि जोमैटो का बहुत बड़ा केस हुआ था जब ऑनलाइन कई सारे यूजर्स का डेटा रिवील हो चुका था। बिग बास्केट का हाल फिलहाल में पिछले 3-4 महीने पहले की बात, बिग बास्केट का बहुत बड़ा संख्या यूजर्स का, उनका डेटा ऑनलाइन पब्लिश हो गया था। पेटीएम हाल फिलहाल में इट हैज बीन अंडर अटैक फॉर साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस। COVID-19 के कई सारे लैब रिजल्ट्स गवर्नमेंट वेबसाइट से ओपनली डार्क नेट पे या फिर लोगों के हाथ से छोड़ दिए गए थे लोगों के एक्सेस करने के लिए। इसके अलावा पुलिस एग्जाम्स के रिजल्ट्स, जस्ट डायल की वेबसाइट वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल्स आर अनएंडिंग आशीष इफ वी राइटली अंडरस्टैंड। व्हाई इंडिया इज एट अ वल्नरेबल पोजीशन इज बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी डेटा प्रोटेक्शन रूल्स। हमारे यहाँ कोई रेगुलेटर इस पे कोई एक्शन ही नहीं लेता है। आशीष, इज़न्ट दिस सरप्राइजिंग टू यू? एक्चुअली इट इज एंड इट इज नॉट अभिनव जी, बिकॉज टाइम इन मेमोरी इफ वी आर लुकिंग बैक 3-5 years these incidents have been occurring, whether it is with ATM, with a bank, it is with an e-commerce website. It is so rampant that it is surprising that on a website somebody has compiled year wise year. इतना हैक होता है कि हमने उस पर एनालिसिस कर दिया है कौन से महीने में कितना हुआ है। तो कहने का मतलब है कि चीजें हो रही थी, थिंग्स वेयर हैपनिंग आर हैपनिंग, वेदर विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया और वेदर आउटसाइड, लाइक इन द केस ऑफ एयर इंडिया इट वॉज अ थर्ड पार्टी, इट इज सीटा विच इज बेसिकली हैंडलिंग द ट्रैफिक डेटा एंड एयरलाइंस, 90% ऑफ द ग्लोबल एयरलाइंस, उनके यहाँ ब्रीच होता है, वो रिपोर्ट करते हैं, डिटेल्स नहीं देते हैं। 19 मार्च को एयर इंडिया कुछ इंफॉर्मेशन लीक बताता है और आज बताता है, लेकिन अब बताता है कि 4.5 मिलियन चले गए। तो पॉइंट इन केस ऑब्वियसली डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैड टू बी इन प्लेस, ड्राफ्ट बन चुका है, पार्लियामेंट में पेश हो चुका है, डिस्कशन हो चुका है, क्या वो लॉ है आज नहीं है, बट क्या वो लॉ बन जाता तो क्या ये नहीं होंगी, ऐसा शायद ना हो क्योंकि यूरोप में बहुत स्ट्रिंजेंट लॉज हैं, US is protected by a very stringent set of laws. Just in this month of May, group of hackers, probably based in CIS countries, hacked their pipeline to the East Coast. And apparently, allegedly, they were paid some ransom and things became all right. But for those 4-5 days, the gas prices in US just shot up. वहाँ पे इतना नहीं जाता है. Hackers have become smarter with the passage of time. Now they are scouting. The world is their field. They are going hopping country to country. And of course, we are at a very vulnerable position. हम लोगों की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है और हर अटैक को वो एक तरह से एक टेस्ट केस लेते हैं, चलो इस बार ये करके देखते हैं क्या होगा। और अभी तो ये सरफेस लेवल पर है, हम शायद हम लकी हैं, मे बी आई एम राइट और रॉन्ग, कि अभी थर्ड पार्टी से आप सिर्फ नाम, पता, मोबाइल नंबर, बेसिक चीजें जा रही हैं जिसके बाद करेक्शन लिए जा रहे हैं। और यही डिफेंस में सारी कंपनीज कह रही हैं कि नो क्रिटिकल पासवर्ड्स टेकन अवे या CVV नंबर्स नहीं गए थे क्रेडिट कार्ड के, एज इफ लाइक वो चले जाते तो कुछ मजा हो जाता। एग्जैक्टली, आई मीन कंपनीज की जो इसमें दलीलें भी होती ना, एंड पता नहीं, मतलब दिस इज पर्टिनेंट टू इंडिया आशीष, लाइक यू एंड आई, यू डिड मेंशन दैट दिस इज कॉमन एंड प्रेवलेंट अक्रॉस द वर्ल्ड, बट इंडिया स्पेसिफिक में खास बात है। यहाँ पे वैसे भी कंपनीज अंडर रिपोर्ट करती हैं अपने साइबर अटैक्स, एंड अगर आप वॉल्यूम देखिए आशीष, दे आर टेकिंग इट टू अ कंप्लीटली डिफरेंट लेवल। आई मीन 180 मिलियन ऑर्डर्स कोई छोटा अमाउंट नहीं है। एयर इंडिया का 4.5 मिलियन पैसेंजर्स दे वर एक्सपोज, 4.5 मिलियन, मतलब अगर 2011 से 21 के बीच में जितने लोगों ने भी एयर इंडिया से सफर किया है एक बार भी, दे आर वल्नरेबल टू दिस अटैक। मतलब आपने ऑलमोस्ट
इंडिया की पूरी फ्लाइंग पॉपुलेशन को एक्सपोज कर दिया। और आप कंपेयर करिए डोमिनोज से, तो दिस इज मोर सीरियस बिकॉज एयर इंडिया के डेटा में आपका पासपोर्ट नंबर गया है, आपका फ्रीक्वेंट फ्लायर नंबर गया है, आपके पासपोर्ट डिटेल्स में बहुत क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती है वो चली गई है, आपका पूरा नाम, आपका पेरेंटल एड्रेस, आपका परमानेंट जगह, ट्रैवल डिटेल, फ्लाइट हिस्ट्री। अगर आप उसको प्रायोरिटी करें, वैसे तो नहीं कर सकते, ब्रीच इज ए ब्रीच एंड एवरी ब्रीच इज ए सेंसिटिव थिंग, बट पिज्जा में ऑर्डर में क्या गया, आपका मोबाइल नंबर चला गया, आप कहाँ रहते हैं चला गया, विच इज ऑल्सो ए वेरी सीरियस ऑफेंस। बट पासपोर्ट किसी की डिटेल्स अगर किसी के पास जा रही है, इसका गलत उपयोग हो सकता है आगे बहुत ज्यादा। और एक रिपोर्ट है अभी कहीं इंटरनेशनल में पढ़ रहा था कि ये जो डोमिनोज का है, इसमें अपेरेंटली हैकर्स ने कोई 10 बिटकॉइन की डिमांड भी की है, ऑफिस आज के रेट में करीब वो 4 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब ये ट्रेडिंग भी कहीं चल रही है कि लोग बोलते हैं कि चलो हम इसको वापस कर देंगे, आप हमें इतने पैसे बिटकॉइन में दे दो। दिस ईयर अलोन, आई मीन इफ आई रीड दिस रिपोर्ट by this solution cyber security solutions provider Sophos, an IT analyst research and consulting firm TRA, inke mutabik pichle 12 mahine mein lagbhag 52% of Indian organizations have been impacted by one cyber security attack or the other. Jo CERT hai, should they be dragged to the court? I mean, they are not taking any action. At least jo main maan sakta hu ki chaliye individual level pe jo galtiyan hoti hai kisi se, wo cyber security ko prone hota hai, wo individual ki galti hai. But is scale pe, mass scale pe hacking hona, sir, matlab ye to matlab khule mein hum log gala apna, matlab we are mein, India the country is being made fool of itself agar is tarike ki mass hacking nahi. Absolutely. And some serious questions need to be put forth to the government to be, I mean, aapko unse sawal rakhne padenge ki ab nahi jagenge hum to kab jagenge, क्या लुटने के बाद हम कहेंगे कि अब हमें सीरियस लेना चाहिए। ये तो कुछ कोविड की सेकेंड वेव जैसा है कि जब लोग मरने लगेंगे तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तब वैक्सीनेशन पता करेंगे। आपका क्या डाटा, मतलब हर डाटा इंपॉर्टेंट है आज के दुनिया में, हम इतने ज्यादा डिजिटल पे एक तरह से बड़े शहरों में हमारा बिल्कुल निर्भर हो गए, वी आर इंटर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन आवर मोबाइल नंबर, फ्रॉम मोबाइल नंबर एवरीथिंग इज लिंक्ड, योर बैंक अकाउंट इज लिंक्ड, योर पासपोर्ट, योर आधार, इवन योर ड्राइविंग लाइसेंस, एवरीथिंग कम्स centrally to yet unique mobile number. And anywhere if in this cycle there is a breach, that means potentially most of your data is up for grabs. Should the activists and people, should they take CERT to the court? Or what should be the prospective course of action abhi? Because abhi ye jo news hai na, wo thodi second rang hai. Abhi COVID, of course, for the right reasons, should be in the major center stage. But cyber security is emerging as a big threat in India as of now. जी, कोर्ट में ले जाने के लिए आप गुनहगार को ले जा सकते हैं। जो हम CERT की बात कर रहे हैं, वो एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो मॉनिटर है। इट्स लाइक somebody you are interesting a group of specialists to firewall the system and keep an eye on it, and जहां तक हो सके आप सरकारी विभाग की सरकारी वेबसाइट, हमारे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन, इन सब पे उनको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू सी दैट। एंड अगर हम कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं 3 लाख, तो हो सकता है उन्होंने उससे ज्यादा नंबर प्रिवेंट किए हो। ये चीजें डोमेन में नहीं आती हैं, हम और आप तब रिएक्ट कर रहे हैं जब ये खबरें बाहर आ रही हैं और इतनी ज्यादा हाल में आ गई हैं, इसलिए हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक कोर्ट में ले जाना एक एस्पेक्ट हो सकता है, हम और आप क्या कर सकते हैं जब तक रेगुलेशन नहीं आते हैं। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग दैट वी शुड फोकस ऑन, की विच आर द 5-6 थिंग्स we must do, what is the hygiene we should maintain while dealing with cyber. You should not randomly give your passport passwords to people. Aapse koi phone pe pin mange, Ashish ji ke sath abhi kuch din pehle ek incident hua tha jahan pe kisi ne unka pin manga tha, cvv number manga tha, to aise hi matlab, of course people are, Ashish was smart enough to understand ki matlab ye ek cyber security ka incident ho sakta hai, logon ko bhi isme samajhdari dikhani chahiye, koi bhi random click pe random link pe click na kare jo aapke paas message se aaye. Bahut important cheez, मेल्स में आपके व्हाट्सएप पे आए हुए लिंक, ये जो हम रैंडमली एक दूसरे को चीजें फॉरवर्ड करते हुए मत लिंक कीजिए, ना आप उसका पार्टी बनिए और ना रेसिपिएंट होने पे आप डिलीट कर दीजिए, आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप एक मीम, एक व्हाट्सएप, एक कुछ फोटो नहीं देख लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनके पीछे छुपे होते हैं। दीज आर द तरीका जिससे हैकर्स आपको टेम्प्ट करता है, क्योंकि जब तक हम और आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, आप परमिशन नहीं देंगे, अगर आप कोई भी चीज क्लिक करेंगे, दैट्स हाउ दे गेट इनटू योर सिस्टम। एंड ऑफ कोर्स फॉर एनी कॉर्पोरेट दे वुड बिकम डिफेंसिव, जैसे ही पता लगेगा कि उनका डेटा ब्रीच हुआ है, वो पूरी बात वैसे भी नहीं बताएंगे। अभी कंपनीज बोल रही है कि नहीं, सीवीवी और फाइनेंशियल डिटेल्स लीक नहीं हुई है,
अगर वो लीक हो गई है तो वो आपको बताने थोड़ी ना आ रहे हैं कि लीक हो गई. तो इन द एंड इट बॉइल्स डाउन टू इंडिविजुअल यूजर्स कि वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करें. ये तो हो गई जो आशीष में अभी बात कर रहे थे मास, जो इंडिविजुअल लेवल पे आपको सावधानी बरतनी. इसके अलावा आशीष, व्हेन वी डू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस विद इन द कंपनीज, लाइक आई, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन दैट वी शुड नॉट गिव अवर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स स्टोर्ड. वी शुड नॉट स्टोर दीज क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड डिटेल्स ऑन द वेबसाइट्स. हर बार आप नए ट्रांजेक्शन करें, नए लिंक्स जनरेट करें बैंकिंग के थ्रू, अपना वेबसाइट पे कार्ड की डिटेल्स छोड़ मत दीजिए, क्योंकि वो एक शॉर्टकट होता है, अक्सर टेम्पटिंग होता है लोगों के लिए कि भाई चलो अगली बार आएंगे तो जल्दी जल्दी सब कुछ हो जाएगा, बट इट इज़ वेरी डेंजरस. एक्चुअली वही है कि अभी हिंदुस्तान में जहाँ पे बैंक पेनिट्रेशन इतना कम है, लोगों के सिंगल बैंक अकाउंट ही हैं, इस स्टेज तक पहुँचना में थोड़ा टाइम लगेगा.